मेरा नाम फैसल शाह है जी, मैं इस्लामाबाद से आए हैं। यहाँ ये ट्रैक है, यहाँ शौक पूरा करते हैं। या पीछे देख सकते हैं ये बहुत सारे बाइक्स आए हैं हमारे साथ, बहुत सारे साथी हैं, लाहौर से भी आए हैं, इस्लामाबाद से भी, हम पिंडी से भी। तो यहाँ एवरी संडे आते हैं, बाइक करते हैं, ये ट्रेलिंग करते हैं। लेकिन इसमें जो मेन थिंग है, पूरी सेफ्टी गियर्स के साथ करते हैं। रोड वाला हिसाब नहीं करते कि रोड ना हेलमेट पहना, ना कोई सेफ्टी गियर पहना, ना नी पैड, ना एल्बो कुछ। अभी इसमें एक नेक ब्रेस होता है आपकी गर्दन को बचाने के लिए, हेलमेट होता है, ग्लव्स होते हैं, वो मेरे वहाँ पड़े हुए हैं। तो इसमें ये शऊर उजागर कर रहे हैं कि हर पाकिस्तान में टैलेंट है, उसको उजागर करने की ज़रूरत है। ऐसे मौक़े यहाँ मैसर कर मतलब के दिए जाएँ तो यहाँ से भी बहुत सारे स्टार पूरी दुनिया में अपना नाम, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मेन मकसद यहाँ आने का ये है कि जनाब हम आते हैं, अपना ये शौक़ पूरा करते हैं। ये ट्रेल रखे हुए हैं, इसका कोई पार्ट अगर टूट जाता है, गुम हो जाता है या कुछ हो जाता है तो वो मंगाना पड़ता है ऑनलाइन, और आने में 45 दिन 60 दिन शिपमेंट आ रही नहीं आ रही। आजकल तो वैसे भी कोरोना चल रहा है, सबको पता ही है, वैसे ही ऑफ एंड ऑन मुश्किल चल रही है। बाकी ये पहनने के बावजूद भी हो जाती है इंजरी, ऐसी बात नहीं है। तो ये एक अच्छा शौक है, और ये ट्रैक बना हुआ है यहाँ। अभी आप थोड़ी देर बाद देखिएगा, यहाँ ये सारे कोई हम 10-12 लोग हैं, हम सारे अभी रेसिंग करेंगे, जंपे मारेंगे और आप लोगों को इंजॉय करेंगे। और बाकी वो करने के बाद जो एक्सपीरियंस होता है या वो जज्बात होते हैं, वो मैं आपको उस वक्त अपने शेयर करूँगा इंशाल्लाह आपके साथ में। अच्छा सर, ये आप सारे इस्लामाबाद से हैं या लाहौर के भी कुछ? नहीं, लाहौर के हैं जी आधे, और आधे इस्लामाबाद के हैं। तो ये एक कंबाइन हो के हम एक जस्ट लाइक फैमिली मेम्बर, एक सपोर्ट भी करते हैं। और वो देखें, हम अब इस्लामाबाद से चल के सुबह 4 बजे के हम इधर आए हैं इनके पास, हम यहाँ इनके पास आए हैं चल के, वहाँ से चल के हम इनके पास आए हैं जस्ट फॉर ये टाइम इनके साथ ये गुजारने के लिए। अभी नवंबर के एंड में यहाँ रेस आनी है, आपको बताया जाएगा, आप आएँ, अपना फैमिली को भी लाएँ, क्योंकि फैमिली फंक्शन होता है, बड़ा अच्छा इवेंट होता है, साफ़ सुथरा, सिक्योरिटी, ये वो, खाना पीना वेरी वेरी गुड। इधर इस तरह के 4 इवेंट हो चुके हैं, तो आप भी आइएगा, आपको भी बताएँगे। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू इन्जॉय एंड सी न्यू थिंग्स इन पाकिस्तान, हाउ टू इसको ऑपरेट कैसे करना है, इसको यूज़ कैसे करना है, ये बात। अच्छा, ये अभी आपने देखा है जी कि ये ट्रैक बना गया है, सेल्फ फाइनेंस पे बना है, शौक पूरा करने के लिए बना है। ये टैलेंट है, आप देख सकते हैं, पूरी दुनिया में दिखाया जा सकता है, और इस चीज़ को एक अच्छे इमेज के तौर पर उजागर किया जा सकता है, जिसके लिए हम अपनी जेब से फाइनेंस करते हैं, जो भी है शौक पूरा करते हैं, जैसे तैसे भी थोड़ा करके, ज़्यादा करके। तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट लेवल पर कोई आज तक काम नहीं हुआ। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो इस मामले से पीछे हट गए, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं मिला, उनकी एजें भी इतनी हो गई, और कुछ हमारे जैसे हैं जो कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। जिसके पास जाएं वो कहते हैं कि जी हो जाएगा, देखते हैं, अभी बिज़ी हैं, ये है वो है। लेकिन इस चीज़ को सीरियस लिया जाए, क्योंकि सिर्फ स्पोर्ट्स क्रिकेट ही नहीं है, पूरी दुनिया में हॉकी नहीं है, स्पोर्ट्स पूरी दुनिया में बहुत किस्म की हैं, और वो ऐसे ही हमारे जैसे बंदे हैं जो खेलते हैं, करते हैं। क्या है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, क्लब हैं, उनको सारा कुछ सिखाया समझाया जाता है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें खुद करना पड़ता है। अब ये बनाया गया है, खुद से बनाया गया है, ये देखें एक और साथी हैं। तो जनाब ये बात है, गवर्नमेंट को चाहिए इस चीज़ पे काइंडली, इस पे मेरी रिक्वेस्ट करूँगा, इस पे कोई फोकस करें, इस पे कोई अपना कोई नुमाइंदा हम लोगों से मिलवाएं, या हमें कहें हम हाज़िर हैं, हमें बुलवा लें आप, प्लीज़ हमसे पूछें, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या होना चाहिए, हम आपको इस चीज़ पे गाइडलाइन देंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जनाब मैं वो बंदा हूँ, मैं अब आपको ये कह रहा हूँ, मेरे अगर कोई आवाज़ सुनने आला हो, फ्लाइंग विंग सूट होता है, आप यूट्यूब पे लिखेंगे, नेट पे गूगल पे लिखेंगे फ्लाइंग विंग सूट, जिसके वो बने होते हैं, आप पहाड़ से छलांग मारते हैं, वो 3.5 लाख रुपए का है। मैंने वर्किंग की थी, मेरे पास इतनी पसली नहीं है, वरना वो हो मैं वो आपको करके दिखाऊं। मैं उस इवेंट में भी हिस्सा लूँ जो मुकाबले होते हैं फ्रांस और इटली में, मैं पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी करूँ, मुझे मेरे पास हो, मैं फ्लाइंग विंग सूट पहन के वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन क्या है अगेन कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट चाहिए,
उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस चाहिए जो अभी तक नहीं, हम में से किसी को नहीं मिल सका जी। बात ये हो रही थी कि ये शौक है, महंगा है, नो डाउट, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन इसमें बाइक को छोड़ दें तो अपनी आप सेफ्टी को अगर सबसे पहले ले लें, क्योंकि इंसान है तो ये चीज़ों की कोई अहमियत है, इंसान ही नहीं है तो ये बेजान है, इनको कौन चलाएगा, उसके लिए ये चीज़ें हैं, इसको आर्मर कहते हैं, सेफ्टी गियर्स कहते हैं ये। अब ये बहुत सारी चीज़ें, ये पहले इतनी नॉलेज नहीं थी या इतना आवाम को शऊर नहीं था या शौक नहीं था, तो ये बहुत हो किसी के पास कहते हो या उसके पास वो ट्राउज़र है, उसके पास वो आर्मर है, उसके पास वो सेफ्टी गियर्स हैं। अब ये ऑनलाइन भी मिलती हैं और पाकिस्तान में जगह जगह अवेलेबल हैं और बड़े नॉमिनल चार्जेस में हैं, वो कोई इतनी हवा नहीं है। हाँ, इसमें दो चीज़ें हैं इस पूरी किट में, एक ये शूज़ अगर आप देखें तो ये एक शूज़, ये आम यहाँ नहीं मिलते, ये मंगवाने पड़ते हैं, ये कम से कम आप कह लो पाकिस्तानी 20-25 हज़ार रुपये के हैं, डॉलर्स में कन्वर्ट करो या आप पाउंड में कर लो, वट एवर जो करेंसी आपके साथ है। एक ये और हेलमेट, हेलमेट तो जनाब 10,000 से लेके और 1,10,000 रुपये का भी है, तो इट्स अप टू यू, आप अपने आप को कितना मैनेज कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये करें कि अपने आप को सेफ रखें, बहुत ज़रूरी है। सर ये एक आपके पास गाड़ी है, इसकी कितनी प्राइस है, ये कितने तक है? देखें, प्राइसेस तो इन गाड़ियों की ऐसे मैनेज होती हैं कि इसमें सीसी के हिसाब से होता है और कंपनी का मेक होता है, जिस आप अब पूरी दुनिया में है मोटरसाइकिल है, यामाहा, सुजुकी, होंडा, कावासाकी, उसमें 125 सीसी भी आता है, 250 आता है, फिर 350 आता है, 400 आता है, 450 आता है, इस तरह वो कैटेगरी वो उसकी सीसी वाइज बढ़ी जाती है, उसके साथ भी कीमत भी हो जाती है। अब मिनिमम जो है यहाँ बाइक होगा वो 3.5 लाख से स्टार्ट होता होगा और अप टू 10 लाख वाला भी है इसमें एक बाइक, वो बड़ा ज़बरदस्त है, 450 है, क्योंकि वो अपग्रेड मॉडल है वो उसका, और उसकी पावर भी बहुत है, तो वो चलाना मतलब कि मैं भी राइडर हूँ, मेरा भी बाइक खड़ा है, लेकिन मैं उसको नहीं चला सकता क्योंकि वो उसकी पावर बहुत है। तो इधर इस तरह अब बात वही है कि आप अफोर्ड कर सकते तो ठीक है, नहीं कर सकते तो वो इंसान, अब हम भी बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं यार कि ये चलो देखने को इंसान को बड़ा अच्छा लगता है, जिस तरह आप नॉर्दर्न एरिया जाते हैं तो आप देखते हैं सुभान अल्लाह यार क्या अल्लाह ताला ने झील बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, दरख्त बनाए हैं, बंदे का दिल अंदर से रूह खुश हो जाती है। तो इस तरह कुछ चीज़ें नहीं हैं तो वो कोई नहीं, इंसान देख के शौक पूरा कर लेता है, हमने भी ऐसे किया वक्त के साथ, आगे अब 45-46 ईयर्स के हो गए हैं, किसी ज़माने में सोचते थे यार ये करेंगे, लेकिन अभी ये अल्लाह ताला ने चांस दे दिया, तो उम्मीद नहीं छोड़ते, ख्वाब नहीं मरते, सब्र करें, मेहनत करें, अल्लाह ताला ज़रूर देता है, ये मेरा ईमान है।